आपका क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर्स पर सेकेंड, शी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद अ वॉल। 18 मीटर्स अवे, व्हाट डिसेलरेशन मस्ट शी हैव? नाउ तो ये देखो आपका क्या क्या है इसके अंदर। तो फर्स्ट इज दिस, अ साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो दैट मीन्स यू यू इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। फिर देखो इसने क्या दिया है, शी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद अ वॉल। तो दैट मीन्स एस इज, डिस्टेंस इज 18 मीटर्स, तो एस इज 18 मीटर्स। तो अगर कोलाइड नहीं करना है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। तो वी विल नो वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? तो इसने क्या कहा देखो, व्हाट डिसेलरेशन मस्ट शी हैव? तो ए उसका क्या होगा, है ना? तो वी हैव टू फाइंड आउट ए ना। तो वी हैव थ्री इक्वेशंस, तीनों लिखते हैं। तो देखो आपका क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वन इज योर क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। नाउ अब यहां पर देखो आपके पास में क्या 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 है, v है, s है एंड u है। तो इसके अंदर आपका ओनली थर्ड विल वर्क, क्योंकि हमारे पास v है, u है एंड s है। तो वी कैन फाइंड आउट a बाय थर्ड इक्वेशन से। हम करते हैं v स्क्वायर इज जीरो, तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू u, u इज 15 स्क्वायर प्लस टू a इंटू s, s इज 18। तो अब देखो ये क्या आ रहा है, जीरो स्क्वायर इज जीरो, नाउ 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 2 इंटू 18 इज 32, 36 ए, ठीक है ना? तो ये देखो इसको इस साइड में लेकर आ जाओ, तो ये आपका आ जाएगा -225, दैट इज इक्वल टू 36 ए। तो ए क्या हो गया देखो, ए वी कैन से -225 बाई 36, है ना? ना तो ये देखो थ्री से कट हो रहा है, तो कट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 12, तो ये हो गया आपका 7 5 75। अगेन ये थ्री से कट हो रहा है, कट करो, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 25। नाउ माइनस, नाउ 4 से कट करो, तो ये आपका आ गया 6, फिर बच गया 1। तो पॉइंट तो 10 हो गया, दैट मीन्स 2 टाइम 8, 2 0, दैट मीन्स 5। तो ये आपका डिसेलरेशन इज -6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और यू कैन से डिसेलरेशन इज 6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो वी कैन से इट्स डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसको करना है।